जी नाज़िम, डॉक्टर महरीन बिलाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब डाइटिशियन हैं और डॉक्टर साहब ने आज तफसील के साथ हमारे साथ यहाँ प्रोग्राम किया और डिस्कशन हुई, बात हुई डाइट से रिलेटेड, मौसम चेंज हो रहा है उससे रिलेटेड। और अपने अगर प्रोग्राम डॉक्टर साहब तफसीली देखना हो तो 11 बजे सेशन उस पर टेलीकास्ट होगा। टेलीकास्ट शेड्यूल के लिए आप हमारे सेहत ज़िंदगी का फेसबुक पेज जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारा शेड्यूल पता चलता रहेगा। डॉक्टर साहब ने प्रोग्राम में 4 वाइट्स की बात की, जो 4 सफेद चीज़ें हैं जो हमारी हेल्थ के लिए खतरनाक होती हैं, उस पर डॉक्टर ने बात की। पूछते हैं डॉक्टर साहब से 4 वाइट क्या हैं और उनके क्या नेगेटिव असरात होते हैं। डॉक्टर साहब प्लीज़। अच्छा जी, 4 वाइट्स में जो है आपने जिन चीज़ों को अवॉइड करना है उसमें आ जाता है आपका सफ़ेद आटा, सफ़ेद चावल, सफ़ेद नमक और सफ़ेद चीनी। ठीक है, सफ़ेद चीनी और सफ़ेद नमक को तो कुछ लोग कहते हैं कि ये फूड पॉइजन्स भी हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। सफ़ेद चीनी की जगह पे आप कोशिश करें गुड़ और ऑर्गेनिक हनी को जो है वो चीनी की रिप्लेसमेंट के तौर पर इस्तेमाल करें। और जो सॉल्ट है उसमें या तो पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करें और कम से कम इस्तेमाल करें। सो नमक की कोई और रिप्लेसमेंट नहीं है, सो पिंक सॉल्ट इज़ क्वाइट हेल्दी और वो भी कम से कम इस्तेमाल करें तो बहुत बेहतर होगा। तीसरा जो सफ़ेद मैंने आपको बताया, सफ़ेद चावल, इसकी रिप्लेसमेंट में आप कोशिश करें कि हफ्ते में बस 1 से 2 दफ़ा चावल बनाएं। चाइनीज़ राइस हो सकते हैं, दाल चावल बहुत हेल्दी ऑप्शंस हो सकती हैं। ब्राउन राइस का इस्तेमाल करें इंस्टेड ऑफ वाइट राइस और उबला हुआ चावल हो ताकि निशास्ता छान लिया जाए। और चौथा जो आपने सफ़ेद इस्तेमाल चीज़ नहीं करनी वो है सफ़ेद आटा। मैदे की चीज़ें जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, शवरमा अनहेल्दी हैं, प्रोसेस्ड हैं। इसकी जगह पर कोशिश करें कि आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल करें, चक्की के आटे की रोटी या फिर होल ग्रेन्स जो होते हैं जैसे जौ हो गया, बाजरा, मकई या फिर मिक्स होल ग्रेन्स की जैसे मैंने बात की। और सफ़ेद आटे की जगह जो ब्रांड होता है चक्की का आटा और जौ का आटा वो आप इस्तेमाल करें, क्योंकि जो आटा है वो हमारी उसको तो ज़ाहिर हम छोड़ नहीं सकते, और रोटी सालन है या रोटी कपड़ा मकान है, सो रोटी सबसे पहले आती है, रोटी को छोड़ा नहीं जा सकता। बट रोटी के जो हेल्दी ऑप्शन हैं उस पर आप जाएँ सो आप काफ़ी हद तक बहुत सी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।